नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अवैध कब्जा करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जोन एक नेहरू नगर क्षेत्र में निगम के राजस्व विभाग की टीम ने शंकराचार्य कॉलेज रोड जुनवानी में सड़क किनारे बांस बल्ली आदि से कब्जा कर व्यवसाय करने वाले कई लोगों को बेदखल किया है। अवैध निर्माण व अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर शिकंजा कसने निगमायुक्त रोहित व्यास ने अधिकारी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसी तारतम्य में अवैध अतिक्रमण व कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की गई है। जोन एक नेहरू नगर जोन अंतर्गत शंकराचार्य कॉलेज जुनवानी में सड़क के किनारे अवैध कब्जा करने वाले लोगों को हटाने की कार्रवाई की गई। साथ ही जुनवानी चौक से लेकर शुभम के मार्ट तक अतिक्रमण के उद्देश्य से सड़क के दोनों ओर विभिन्न स्थानों पर गुमटी बांस बल्ली व त्रिपाल से अस्थायी घेरा कर तथा सड़क बाधा कर व्यवसाय किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर उपस्थित होकर उन्हें स्वयं से कब्जा हटाने समझाइश दी, लेकिन नहीं मानने पर जोन एक की टीम तोड़फोड़ दस्ते के साथ पहुंची और तोड़फोड़ कर सामग्री को जब्त भी किया तथा इन दुकानों के सामने अव्यवस्थित तरीके से वाहनों के पार्किंग होने से आवागमन बाधित होता था, जिसकी शिकायत नागरिकों द्वारा की गई थी। इस मार्ग पर स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल होने की वजह से मार्ग में हमेशा भीड़ भाड़ रहता है, इसलिए आवागमन में कोई बाधा ना हो इसे देखते हुए यह कार्रवाई की गई। देखिए, जुनवानी खमरे रोड में शुभम के मार्ग तक जो रोड है नेहरू सूर्यमल चौक से वहाँ तक में जो सड़कों के किनारे में अवैध रूप से अतिक्रमण करके और सड़क को बाधा करके और बेतरतीब पार्किंग जो वहाँ खड़ियाँ होती थी गाड़ियाँ जो है उसको लेकर के नागरिकों में जो है रोष था और उनकी शिकायतें भी निगम को प्राप्त हुई थी और निगम ने इसको संज्ञान में लेते हुए जो है 15 स्थानों से ऐसे जो ठेले हैं गुमटी है अस्थायी रूप से बांस बल्ली और तिरपाल गड़ाकर जो व्यवसाय कर रहे थे उनको हटाया है और ट्रैफिक भी क्लियर कराया है और इसके लिए वृहद अभियान जो है निगम क्षेत्र में जेसीबी के माध्यम से विभिन्न संसाधनों के माध्यम से जोन क्रमांक एक के जो आयुक्त हैं उनके नेतृत्व में यह अभियान। निगम द्वारा की गई यह कार्रवाई काबिले तारीफ है, बशर्ते यह कार्रवाई लगातार चलती रहे ताकि ऐसे कृत्य करने वालों को समझाइश भी मिल सके और ऐसी बाधाएं दोबारा उत्पन्न न हो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।